अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस आई रिएक्शन। आई होप आप सब ठीक होंगे। नहीं तो दोस्तों, आजकल ना वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा ना मसला चल रहा है कि ना इंडिया और पाकिस्तान का इनका आपस में ना चल रहा है। वैसे तो राइवलरी हमेशा रहती है, लेकिन अब ये चल रहा है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। आगे इंडिया, कुछ जगह पर इंडिया भी ठीक है, कुछ जगह पर कुछ पॉइंट्स पर ना पाकिस्तान भी ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इंडिया ठीक नहीं है यार यहाँ पे ना, क्योंकि वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंडिया कर रहा है सारी वो पॉलिटिशियन के उस पे ना बातों में आके सारा कुछ वो उस हिसाब से कर रहा है। तो पाकिस्तान सच्चा है, फिर अगर वो नहीं आता तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। तो चलें, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो पहले देख लेते हैं आखिर मसला क्या है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। और एक बात, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद भाई आप चाहे भाई ये नहीं कहना था हमने, अब भूल गए फिर से। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। सब्सक्राइब का नहीं कह रहे, सिर्फ जस्ट कमेंट्स करें। सब्सक्राइब आप पे छोड़ दिए, कमेंट्स वगैरह जरूर करें, कमेंट्स और लाइक करें। और चलें अब पहले ना वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आखिर मसला है क्या। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है, ब्रेकिंग न्यूज, आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह सुना भी होगा, ये एक स्टेटमेंट आई है जो ये कह रही है कि चूंकि हाइब्रिड मॉडल होगा एशिया कप का, तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जो कि हिंदुस्तान में होना है उसके मैच इंडिया में नहीं खेलेगी, उसके मैच कहां खेलेगी? बांग्लादेश में। ये किसने बोला है ये आप जरा तफसील दीजिए, फिर उसके बाद हम इनको सही खबर बताते हैं। सर अभी जो आई थी, जो हम लाइव कर भी रहे थे अभी, जैसे हम आईपीएल का स्क्वाड कर रहे थे, तो उस टाइम अपडेट आई और काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये आ रही है खबर कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस वर्ल्ड कप वाले भी, क्योंकि एक चर्चा लगातार चल रही है कि भाई कि एशिया कप इंडिया की तरफ से जयशाह ने पहले ही जो है मना कर दिया था कि भाई उस तरीके से वहां पर ट्रेवल एक इशू रहेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, सारी तमाम चीजें। तो देन पीसीबी की तरफ से ये आए थे बयान कि भाई आप एशिया कप नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। फिर ये आई खबर कुछ दिनों पहले कि एशिया कप होगा कि बट इंडिया के मैचेस जो होंगे वो एक अदर न्यूट्रल वेन्यू कोई पिक किया जाएगा, उसमें अलग अलग ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल, हाँ, कि वो आप इंडिया मैच का पाकिस्तान में होगा, इंडिया के मैच कहीं और होंगे, और अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है तो भी बाकी टीमें वहीं आके खेलेंगी। तो अब लेटेस्ट यही आ रहा है कि भाई वहां से जो खबर आई वो ये थी कि भाई कि इंडिया जो पाकिस्तान मैचेस खेलेगी वर्ल्ड कप वाले वो जाकर खेलेगी बांग्लादेश में, वो इंडिया में नहीं खेलेंगे। 9 मैच जो पाकिस्तान ने अपनी लीग के खेलने हैं वो बांग्लादेश में होंगे, मतलब वर्ल्ड कप का होस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया ही रहेगा, बट इंडिया फिर सब होस्ट बनाएगा बांग्लादेश को और कहेगा जी आप 9 मैचेस वहां पे होस्ट कीजिए। ये सरासर गलत खबर है, र्यूमर्स हैं, बेसलेस है। हालांकि वसीम खान ने ये बोला है जो अब इस वक्त आईसीसी में जुड़े हुए हैं और किसी जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो एशिया कप की भी बात हुई थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी मुझे होता नहीं दिख रहा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक मनोज, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप एक वेन्यू में होगा, हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि जी एक मैच हमारा पाकिस्तान में हो और इंडिया को खेलने के लिए हम कहीं और जाएं और बार बार इधर उधर हो, वो उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन ये स्टेलमेट अभी चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बार्गेनिंग करेगा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिया पाकिस्तान का इसमें जो भी है आगे पीछे बात चलेगी, और मोस्ट लाइकली एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगा, वो आपको न्यूट्रल कंट्री में ही दिखेगा, मोस्ट लाइकली यूएई में ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू हैव टू अपील टू योर ऑडियंस। अब जो आज खबर आई है, हालांकि ये चौंकाने वाली खबर थी कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अपने मैच यहाँ नहीं खेलेगा, बांग्लादेश में खेलेगा, वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है। ये जरूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब पिछले इसी महीने जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, तो जब ये एशिया कप को लेकर बार्गेनिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा चलो जी फिर अगर ऐसा है तो हम भी वर्ल्ड कप के मैच वहीं पर खेल लेंगे। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान कैनॉट रिफ्यूज। एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बता दूं कि बीसीसीआई, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, जयशाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, और आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि एशिया कप की सफलता या एशिया कप का जो वजूद है वो इंडिया और पाकिस्तान से ही बनता है। बिल्कुल। तो कल को अगर इस तरह के हालात आ जाएं कि पाकिस्तान का हम नहीं खेलते एशिया कप, तो एशिया कप भी गिरता है, तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वहां पर जरूर एक फॉर्मूला वर्कआउट किया जा रहा है, और हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मना लिया जाएगा, क्योंकि उनको जो होस्टिंग राइट्स हैं, जो पैसे हैं, वो उनको मिलेंगे। यूएई में अगर हो जाता है तो उसके बाद वो वहीं पर एशिया कप होगा। जहां तक रही बात वर्ल्ड कप की, आप मुझे बताइए, बीसीसीआई आज झुक गया तो भाई वर्ल्ड
क्रिकेट तो बिल्कुल पलट गई। बिल्कुल। और पाकिस्तान के मैच जो है इंडिया में होने की बजाय बांग्लादेश में होंगे, गेट मनी किसके पास जाएगा? तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। प्लस पाकिस्तान जो मर्जी कहिए आप, इंडिया में जब वर्ल्ड कप खेलने आएगा तो इनके प्लेयरों को सर आंखों पर बिठाया भी जाता है, दे आर स्टार अट्रैक्शंस। और पाकिस्तान एक बड़ा कंटेंडर रहेगा वर्ल्ड कप में, ऐसा नहीं है। जब आप कहेंगे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान एक बड़ा कंटेंडर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि जिस तरीके का फॉर्मेट है कि सेमीफाइनल एंड देन उसके बाद आपके दो अच्छे गेम्स। और दूसरा एट द सेम टाइम सर, जहां तक एशिया कप का और पाकिस्तान और पीसीबी अगर खुद भी ये चाह रहा है कि इंडिया कहीं और खेल ले, तो देन आई डोंट थिंक उनको वो फायदा है जो टूर्नामेंट से वो चाहते हैं, क्योंकि खबर और मुद्दा तभी बनेगा कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान गई, देन आपको जो भी चीज है जो आप सोच रहे इसके पीछे क्या है, जो कहते हैं ना कि पनीर का टुकड़ा, वो है 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। अगर सपोज कीजिए जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, या जो आज पाकिस्तान के वसीम खान की तरफ से आई, चलो वो आईसीसी में है, इससे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ही थे, अगर ये खबरें सही हैं तो फिर पाकिस्तान भूल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उनके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मनोज ये बातें चल रही हैं बातें, और ये पिछले कई साल से है कि बयानबाजी उस तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा होती रहती है, हम नहीं खेलेंगे, अच्छा हम खेल लेंगे, आओगे तो देखेंगे, नहीं आओगे तो। यहां से आप देखेंगे एक ही बयान आया था, वो ये आया था कि इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो और वो आज की बात नहीं है, 2008 से वो चीज है। और जब भी पाकिस्तान या इंडिया के पास अलग रूल बना रहे हैं, दूसरों के लिए अलग कंट्री नहीं हुआ है, इंडिया 2018 दुबई में करा, तो इसलिए लिहाज से मुझे लगता है पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, यूएई जाना पड़ेगा। और जहां तक वर्ल्ड कप की बात है, आप जरा इमेजिन कीजिए, मैंने भी ये पढ़ा, मैं हैरान हुआ, तो आप ये इमेजिन कीजिए ये बयान कहां से ऑस्ट्रेलिया हर टीम, क्या ये आईसीसी चीफ ने दिया है, क्या ये बयान किसी इस तरह के अथॉरिटी से आया है जहां पर यू वुड वांट टू बिलीव इट। ये उसमें लिखा है कि ये कंसिडर किया गया था, और कंसिडर नहीं किया गया था, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इस महीने आईसीसी की जो मीटिंग थी जिसमें एशिया कप को भी लेकर बात होनी थी, तो जब ये बात चल रही थी कि नहीं जी नहीं ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था चलो फिर ठीक है हाइब्रिड मॉडल में वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, हम भी इंडिया नहीं आएंगे, हम जी बांग्लादेश में खेलेंगे। लेकिन किसी अथॉरिटी या अथॉरिटेटिव जो फिगर होता है, आप आईसीसी कहें या बीसीसीआई जो होस्ट हैं, उन्होंने ये कहा नहीं कि हाँ हम इसको कंसिडर भी करेंगे। तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको आईसीसी की तरफ से ही एक खंडन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इस चीज के बिल्कुल इम्कानात नहीं है, इस चीज के बिल्कुल चांसेस नहीं है। पाकिस्तान इंडिया ही आएगा, वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में ही खेलेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि बात करना एक बात है, प्रपोजल पे प्रपोजल देना दूसरी बात है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट यू कैन नॉट रिफ्यूज। फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा 2025, उनके लिए बड़ा जो मैंने कहा पनीर का टुकड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना 2025 में। वही है कि इस चीज की तो कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक जगह श्योरिटी जरूर है कि आप अगर टीम्स बनाओ और अच्छी टीम्स बनाओ, वहां पर अलग अलग प्रपोजल और अलग अलग वेन्यूज के हिसाब से टीम ना बनाओ, तो माई इलेवन सर्कल पर जरूर आप जीत सकते हैं। तो वो वहां पर अपनी टीम्स बनाइए, और जिस तरीके से हमने अभी आपको अपडेट दी, वर्ल्ड कप से भी रिलेटेड है, एशिया कप से भी रिलेटेड है, और देन आईपीएल तो शुरू हो ही चुका है, इन टर्म्स ऑफ मैचेस अभी बाकी, लेकिन बिल्डअप आप यहां पर देखने लगातार हम अलग अलग स्क्वाड्स का करने, तो उसका शाम को आज चेन्नई के स्क्वाड के साथ भी जुड़ेंगे बिल्कुल, और पूरी आपको अपडेट, और आपको खबरें मिलेंगी वो जो मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% एक्यूरेट होंगी, बट वो खबर जो एक्यूरेसी की तरफ चल रही होगी। ये खबर आई है, ऐसा नहीं है कि ये खबर किसी ने गलत की है, जिसने की है उसके पास राइट था, क्यों? क्योंकि उसके पास एक इंसान ने आके बोला कि कंसिडर हुआ था, बट ऑन स्पोर्ट्स तक वी कैन कंफर्म कि ऐसा नहीं होने वाला। बीसीसीआई ऑब्वियसली नहीं मानेगा, और ना ही आईसीसी मानेगा, ना ही आईसीसी मानेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान वहां पर कहे जी हम हाइब्रिड ही करेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप भी अब हाइब्रिड ही करा लो, तो पाकिस्तान के लिए लार्ज लॉन्ग टर्म नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वो चाहेगा 2025 में आईसीसी का टूर्नामेंट अगर उनको मिला है तो वो पाकिस्तान में। लो जी, ये थी खबर ताजा तरीन वर्ल्ड कप पे, एशिया कप पे। ये भी असल में हो तो दो नंबर ही रही है यार, हम कोई स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, नहीं ये दोनों गलत कर रहे हैं ना। अब इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान को इंडिया ही जाना चाहिए, ये तो पाकिस्तान का नुकसान है या इंडिया का नुकसान है, फायदा दे रहे हैं ये बांग्लादेश को या यूएई को, दूसरे मुल्कों को फायदा दे रहे हैं ये। यार वैसे देखा जाए तो अब उनको आना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि भाई अब पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का मसला है ही नहीं, इंग्लैंड जैसी टीम अब रिसेंटली सिक्योरिटी का नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो है ना गवर्नमेंट वो नहीं इजाजत दे रही, नहीं वो मुद्दा ये बनाते हैं, मेन मुद्दा उनका ये है
कि हम लोग ना वहाँ पे हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है। हरभजन सिंह का ना रिसेंटली बयान आया हुआ था, वो शो पे बैठा था पाकिस्तान के ना न्यूज चैनल के साथ, वो कह रहा था कि हमारे खिलाड़ियों की जान हमें ज्यादा प्यारी है वहाँ पर। उसे कहा भाई तू यहाँ पे खेल के जाता रहे है तो तुझे क्या किसी ने कुछ कहा है, हालांकि जितनी इज्जत इन्हें यहाँ पे मिलेगी ना इतनी शायद ही किसी दुनिया में किसी कंट्री में। अब इनकी सियासत को दूर रखना चाहिए, सियासत और चीज है, नुकसान भाई पाकिस्तान और इंडिया का। तो ये हुकूमत को भी थोड़ा सा ना दूर रहना चाहिए इन मामला से। क्रिकेट की बात है, पीसीबी के साथ ना ये हमारी गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, तो बीसीसीआई को भी ऐसा ही होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए और आना चाहिए। खिलाड़ी आना चाहते हैं, ये नहीं है कि खिलाड़ी नहीं आना चाहते, वो क्रिकेट वाले तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके बिना वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। इंडिया और पाकिस्तान यही मैच फर्स्ट मैच हुआ था ना रिसेंटली जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का, वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच था, फाइनल से भी ज्यादा, हर बार नया रिकॉर्ड बनता है ना, वो फाइनल से भी ज्यादा उसमें फर्स्ट मैच में इतनी इनकम इन्होंने की थी। लेकिन भाई अब देखो सियासत को दूर रखना चाहिए, हमारी हुकूमत नहीं ऐसे इंटरफेयर नहीं करती इसके अंदर ना, तो बीसीसीआई को भी आजाद होना चाहिए। ये सिंपल सा फंडा है, ये पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, सिंपल मैच सीरीज खेलें। वो इंडिया के एक्स प्लेयर्स हैं ना, उनसे अक्सर इंटरव्यूज में शोज वगैरह में पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे अच्छा रहा है, तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमें मिला ना वो कहीं और नहीं मिला, और पाकिस्तानी यही कहते हैं कि जो हमें इंडिया में मिला वो कहीं और नहीं मिला। तो मसला है ये ऊपर लेवल पे है, ये खिलाड़ियों का तो इसमें नहीं है, खिलाड़ी तो आना चाहते हैं, आम का कोई कसूर है, आवाम इंटरटेन होना चाहती है और आवाम देखना चाहती है इंडिया पाकिस्तान, अगर सीरीज हो जाए ना। पाकिस्तानी खिलाड़ी कहते हैं कि वो पाकिस्तानी जो आवाम है ना वो चाहती है कि इंडियन प्लेयर्स आए पाकिस्तान में, इंडियन आवाम भी चाहती है, वो कहते हैं पॉलिटिक्स जो है वो भी चाहती है भाई, वो भी देखना चाहती है, ऐसे थोड़ी ग्राउंड भरते हैं, ऐसे स्टेडियम पूरे पूरे भर जाते हैं और इतनी दुनिया ऑनलाइन इंटरनेट पे देखती है, टीवीज पे देखती है, पूरी दुनिया में मैच देखा जाता है, तो भाई आवाम का इसमें कोई नहीं है ना, हमारी आवाम इंडिया की भी अच्छी है पाकिस्तान की भी अच्छी है, ये चंद सियासतदान लोग हैं जो ये ना दो नंबरी कर रहे हैं। चलें तो आप हमें ना कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सपोर्ट करते हो, इंडिया को एशिया कप आना चाहिए और एशिया कप के लिए आना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए वहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए, तो कमेंट्स में आप अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइबर वाला तो यार हमने बाबू कहना नहीं है, सब्सक्राइब करना छोड़ दिया, आप लोगों पे ये सब पुरानी बातें हैं भाई, अब वो हमने छोड़ दिया, आप लोग प्यार दे रहे हो हमें काफी है। तो आज की पते की बात यह है कि जहालत अफलास की ना बदतरीन शक्ल है जी। तो दोस्तों आज की पते की बात यह है कि खाने में भूखा खाना खाने में भूखा और हिकमत में सैर रहो, और ये कौल हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का है, जिस पर अमल करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। चलें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर तो भाई नहीं करना, कोई तरीका है भीख मांगने का, भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। और कमेंट वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें वीडियो को और कमेंट, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।